ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली प्राइम, टेली प्राइम की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी आइटम के अंदर स्टैंडर्ड रेट सेट करना। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे एक सीपीयू है, यहाँ पे मैं सीपीयू है, सीपीयू की एक परचेज की एंट्री कर रहा हूँ। और परचेज की एंट्री जब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सीपीयू में, जैसे ही मैंने यहाँ क्वांटिटी में यहाँ पे वन लिखा, वन क्वांटिटी दिया, तो इसके बाद में यहाँ पे अपने आप रेट आ जाता है। एक बार मैं बैक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सीपीयू चूज किया, और सीपीयू चूज करने के बाद में यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ जैसे मैंने प्राइस दिया अपने आप इसने 5000 रुपए लिए। मैंने सीपीयू के लिए एक रेट सेट किया हुआ है स्टैंडर्ड रेट, कि सीपीयू का जो कॉस्ट प्राइस है वो 5000 है। बाय डिफॉल्ट अपने आप इसने क्या कर लिया, 5000 रुपए लिया है। अगर मैं इसी चीज को सेल के लिए करता हूं, मैं एक बार यहां से बैक आता हूं क्विट करके, और मैं आपको ये चीज सेल पे दिखाता हूं। मैं सेल के लिए आपको क्या है कि यहां पे एफएट पे जाओ और एफएट पे यहां पे क्लिक करेंगे। यहां पे यदि हम लोग सेल के लिए करते हैं, हम यहां शुरू से करते हैं, यहां पे पार्टी का कैश ले लिया है और यहां से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया या एक्सेप्ट पे क्लिक किया, देन यहां से हमने ले लिया सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट लेने के बाद जैसे मैंने यहां सीपीयू दिया और ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, और नॉट एप्लीकेबल में जैसे ही हमने यहां पे किया, यहां से मैं इसको हटाने के बाद वन देता हूं, तो अपने आप ध्यान से देखोगे यहां पे तो रेट इसने 5500 लिया है। इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस जो मैंने सेट किया है 5500 किया सीपीयू के लिए, और जो कॉस्ट प्राइस है या फिर परचेज प्राइस है वो वहां पे है कितना, 5000। और ये दोनों ही रेट सीपीयू के लिए जैसे ही मैंने सेल किया माल को अपने आप इसने उठाया है। रेट अपने आप किस तरीके से लेता है, सेलिंग रेट और जो कॉस्ट प्राइस है किस तरीके से लेता है, और जैसा ही सीपीयू ने यहाँ लिया वैसा मैं सेम टू सेम प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। और अगर आप ये सब चीज प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, चैनल पर नया आए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के लिए हमको सबसे पहले डेस्कटॉप स्क्रीन पर चले जाना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको अकाउंटिंग ऑनलाइन सिखा रहा हूं, आपसे बस इतना भी बनता है कि आप उस पर लाइक जरूर करें। लाइक करेंगे तो मैं आपको आगे की क्लासेस सिखाऊंगा, अगर नहीं करेंगे तो मैं नहीं कराऊंगा। आज की क्लास के लिए सबसे पहले आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर जाना है, टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डबल क्लिक करके कर देना है, चालू करना है। चालू करने के बाद में आपको सॉफ्टवेयर इस तरीके से रन हो जाएगा। रन होने के बाद नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा। मान लेते हैं आपकी कंपनी का नेम नहीं आ रहा है या आपके कंप्यूटर में टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट एक काम करें, आप YouTube चैनल पे लिखे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे और प्लेलिस्ट आएगी। प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, टेली प्राइम की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे 1, 2, 3, 4, 5 क्लास देखेंगे। टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, देन कंपनी बनाना, सर्च सेलेक्ट करना समझा हुआ। जैसे ही सॉफ्टवेयर डाल के आप कंपनी बना लेंगे, नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा, तो राइट साइड में गेटवे ऑफ टेली आ जाएगा। आने के बाद में अब आपको करना क्या है, आज के टॉपिक के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट पे। कहां जाना है, क्रिएट पे चलेंगे, और क्रिएट पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, एक स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए स्टॉक में चले गए। यहाँ पे आपको नेम वगैरह देने से पहले सबसे पहले काम कर लेना है, F12 प्रेस करें या कॉन्फिगर पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप जाओगे इन्वेंटरी डिटेल्स में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोवाइड। यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स। तो मैं यहाँ पे जो सेट करना बता रहा हूँ आपको, बाइंग रेट और सेलिंग रेट, या फिर कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेट करने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इसको यस करना होगा। वाई प्रेस करके एंटर करें और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लें या एक्सेप्ट पे क्लिक कर लें। इसके बाद यहाँ पे आपको एक आइटम क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे दिया है सीपीयू, क्या दे दिया, सीपीयू। मैंने अभी आपको दिखाया था सीपीयू ही मैंने यहाँ पे नेम लिया है। एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, अंडर किसके जाएगा, वैसे तो यहाँ पे ये बने हुए हैं अंडर, मान लेते हैं आपके में नहीं बने हुआ, कोई परेशान नहीं, प्राइमरी ले लें। यूनिट में आपको नॉट एप्लीकेबल नहीं ले सकते, अगर यहाँ पे पीसीएस है तो पीसीएस लेंगे, नहीं है तो यहाँ क्रिएट कर लेना, क्रिएट करके यहाँ पे आप बना लेना, यहाँ पे लिख देना पीसीएस और कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लेना। यहाँ ये पहले से बनी हुई इसलिए नेम ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, तो आपको मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ बैक, ठीक है। यहाँ पे मैंने पीसीएस को चूज किया। अब इसके जस्ट नीचे एडिशनल डिटेल्स आ गई है, पहले ये एडिशनल डिटेल्स नहीं आती थी, अभी मैंने इसको चालू किया इसलिए ये एडिशनल रेट इसमें आ गया, सेट स्टैंडर्ड रेट। अब मैं इसके लिए स्टैंडर्ड रेट सेट करना चाहता हूँ, इसके लिए नो आ रहा है, तो इस पर वाई प्रेस करके एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखो स्टॉक आइटम सीपीयू आ गया। स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करनी है सबसे पहले, एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से एप्लीकेबल करना चाहते हो, यहाँ पे मैं 1 अप्रैल 2024 से ही करना चाहता हूँ, एंटर करेंगे। देन रेट यहाँ गया है, और मान लेते हैं यहाँ पे हम थोड़ा लेट शुरू करते हैं, मान ली
सात, 1 जुलाई से करना चाहते हैं तो एंटर किया मैंने 1 जुलाई 2024 किया है, ये डेट के बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे दूसरा मैंने यहाँ रेट दिया है 5000, एंटर किया पर में पीसीएस आ गया एंटर। दूसरी एप्लीकेबल डेट डाल के भी दूसरा रेट डाल सकते थे आप, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ें। अब आता है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या रखोगे, यहाँ पे कब से एप्लीकेबल करना है, ये करना है 1.7 यानी 1 जुलाई से चालू करना है इसको, और स्टैंडर्ड रेट रखना है हमें और 5500 रुपये एंटर किया और यहाँ पर में ये आ गया एंटर। इसके बाद में आपको यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करके ये एक्सेप्ट से एक्सेप्ट कर लें और ये आइटम बन चुका है। आगे की जो डिटेल्स है जीएसटी से, हमें जो भी डिटेल्स आप चाहते हैं वो एक्सेप्ट करें यहाँ पे और डिटेल्स डाल सकते हैं। मैं जीएसटी का बता चुका हूँ इसलिए मैं इस टॉपिक में आपको जीएसटी नहीं करा रहा हूँ, इसलिए मैं ये नई चीज़ें बता रहा हूँ। आपको यहाँ कंट्रोल ए से या एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट पे क्लिक कर लें। इसके बाद में ये बनने के बाद में आपको क्रिएट करना है, फिर क्रिएट करना है और सीधे यहाँ पे वाउचर में आ जाना है। वाउचर में जाने के बाद जैसे यहाँ पे आप माल को F9 परचेज करते हो और परचेज में यहाँ जाते हो, ये परचेज इसलिए आ रहा है, मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा किए हुए हैं आपके में नहीं आएगा, आपका सीधा ये परचेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पार्टी नेम में आपको कैश ले लेना, कैश आपका बना हुआ मिल जाएगा और कंट्रोल ऐसा एक्सेप्ट कर लेना। इसके बाद कंट्रोल ऐसा एक्सेप्ट कर लेना, यहाँ पे परचेज लेजर में परचेज आपको लेजर चूज करना है, एंटर करना है। नहीं बना हुआ है तो एक काम करना, यहाँ पे क्रिएट आ रहा है यहाँ से बना देना, बनाने में कोई परेशानी भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक तो परचेज लिख देना और एंटर करके यहाँ पे ये अभी आ रहा है नेम ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्ट ये आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको और कुछ लगा देता हूँ एंड में, मैंने 0 लगा दिया यहाँ पे, एंटर किया और यहाँ पे आपने परचेज चूज कर लेना, बस इतना काम है। और ये करने के बाद कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। बैक आ रहा हूँ मैं, मैंने यहाँ पे परचेज लिया और अब आपको यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में वही आइटम चूज करना है जो अभी बनाया था, सीपीयू बनाया था हमने, सीपीयू की यहाँ पे बताया है, ये ट्रैकिंग नंबर अगर आ रहा है तो नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर आ रहा है तो नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे लोकेशन अगर आ रहा है तो अहमदाबाद के मैन लोकेशन। यदि आपके में सीधे यहाँ पे क्वांटिटी रेट पर और अमाउंट भी आ रहा है तो पहली बार कर रहे हैं तो आपको ये डायरेक्ट भी आ सकता है। यहाँ पे आपने जैसे 1 लिखा, एंटर किया, अपने आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ गया है, प्राइस आ गया है अपने आप 5000, यही मैंने आपको फर्स्ट टाइम दिखाया था सीपीयू को, जब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो ये 5000 आ रहा है। अब एक चीज़ को मैं बैक कर रहा हूँ आपको, इसको थोड़ा डिटेल्स में समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं डेट है उस डेट को F2 से 1 अप्रैल 4 मैंने 24 किया और उसके बाद एंटर किया। अब मैं यहाँ बैक करता हूँ, यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो ये अपने आप रेट नहीं लेगा, ध्यान देना यहाँ पे एक आ रहा है 1 अप्रैल 2024, यहाँ पे रेट नहीं ले रहा है। यदि आप इसको क्या करोगे, डेट सही सेट करोगे, यहाँ पे डेट 1 जुलाई से था तो इसलिए यहाँ पे हमने कर दिया 1 जुलाई या 2 जुलाई जो भी है, एंटर किया और अब एंटर करके हमने यहाँ से लिया तो अपने आप इसने देखो क्या है, रेट उठा लिया। इसका मतलब ये रेट जो लेगा वो जो आपने एप्लीकेबल फॉर्म किया है उस डेट के अनुसार भी चलेगा और अपने आप रेट लेगा, बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। आपने इसको एक्सेप्ट किया और इसके बाद फिर एक्सेप्ट कर लिया, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेट किया और उसको परचेज में यूज करना सीखा। देन सेकंड टॉपिक है यहाँ पे सेल में किस तरीके से यूज करेंगे, तो आप कीबोर्ड से F8 प्रेस करें या सेल्स पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ये टॉपिक अगर आ रहा है तो यहाँ पे सेल टाइप में सेल्स ले लेना, अगर नहीं आ रहा है आपके में तो एंटर कर लेना, इसको डायरेक्ट सेल्स आ जाएगा अगर आपने वाउचर टाइप नहीं कर रखा है तो। यहाँ पे आपको पार्टी नेम में जैसे कैश ले लिया और कंट्रोल एस एक्सेप्ट किया और कंट्रोल एस एक्सेप्ट किया या एक्सेप्ट पे क्लिक किया या सेल्स लेजर आ रहा है इसमें सेल्स ले लेना। अगर ये सेल्स यहाँ नहीं आए, मान लेते आप अभी फर्स्ट टाइम एक टॉपिक कर रहे हो, तो क्रिएट में चले जाना और क्रिएट में आपको यहाँ पे लिख देना, एक नेम लिख देना सेल्स और यहाँ पे भी आपको अंडर में जाके सेल्स चूज कर लेना। अभी ये दिखाएगा इसको कि बना हुआ है, मैं यहाँ पे टू लगा के इसको बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपको सेल्स ले लेना है बस और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना, राइट। इसके बाद ये बन जाएगा और बनने के बाद में आप इसको टू नहीं लगाना, मैंने टू इसलिए लगाया था मेरा पहले से बना हुआ था। और आपको यहाँ पे सीपीयू चूज करना है, क्या करना है, सीपीयू। अगर यहाँ पे आपका ये आ रहा है ट्रैकिंग नंबर तो नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल और यहाँ मैन लोकेशन आ रहा है ऊपर या लोकेशन आ रहा है तो यहाँ ऐप दबा के मैन लोकेशन ले लेना। और अगर आपके में डायरेक्ट यहाँ क्वांटिटी रेट पर यूनिट आ रहा है तो सीधा क्वांटिटी डाल देना, मैंने यहाँ पे 1 क्वांटिटी डाला और यहाँ पे देखा 555 रुपये सीधा कॉस्ट प्राइस आ रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं, कोई समस्या नहीं। 2 जुलाई 2024 को एंट्री हो रही है और बिल्कुल रेट अपने आप उठाया। अगर इस तरीके से रेट नहीं उठा रहा है तो आप क्विट करके एक बार आएँ और F2 में दबा के डेट चेक कर ले, मान लें यहाँ पे एक डेट लिखी हुई है 1.4 और आप फिर इसको एंटर करके करेंगे। मैं ये हटा देता हूँ इसको और
वन लिखता हो तो यहाँ पे रेट अपने आप नहीं उठाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से, 1 जुलाई से हमने चालू किया था और यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 को एंट्री हो रही है, तो ये अपने आप सेलिंग प्राइस नहीं लेगा। तो आप यहाँ से डेट चेंज करेंगे, जैसे ही यहाँ पे मैंने किया 1.7 एंटर किया, और अब आप सीपीयू में जाएंगे तो अपने आप इसने 555 रुपये रेट उठा ले लिया है, और इसको आपको रेट देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप किसी भी आइटम के लिए या सभी आइटम के लिए स्टैंडर्ड बाइंग या सेलिंग प्राइस सेट कर सकते हो, या फिर कॉस्ट रेट कॉस्ट प्राइस सेट कर सकते हो, सेलिंग रेट सेट कर सकते हो। इससे आपको आसानी होगी काम करने में रेट का, और आपको ये भी कंफर्म रहेगा कि इसका जो एक्चुअल रेट है वो क्या है, और क्या आप लोगों को सेल करना है, क्या आपने कॉस्ट प्राइस लिया हुआ है। तो इस तरीके से आज की क्लास में आपको ये एक आइटम के लिए और या सभी आइटम के लिए सिंगल सिंगल चीज़ें मैंने इस तरीके से बताई हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो है इसलिए इसको बार बार देख सकते हो। आप नोट्स बनाए, आपको 100% ऑनलाइन आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर समझ में आएगा, और आपको 100% जॉब भी मिलेगी, कोई परेशानी की बात नहीं। आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।